स्ट्रक्चरल टेक एक्सप्लेनर इंडिया और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे और मेरे इस चैनल के बारे में। तो चालू करता हूं मैं खुद से। तो मेरा नाम है निखिल घोष और मैं रहता हूं नागपुर महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ मैं यहां से अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहा हूं बीएससी स्ट्रीम से। साथ ही साथ मैं यहां पर एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर जॉब भी करता हूं एक थिएटर में। थिएटर का नाम मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं आपको ये सब नहीं बता सकता। तो छोड़िए, ये तो मेरी बात हो गई, अब आते हैं आप मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी टेक्निकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हर चीज़ें, जैसे कि टेक्निकल टिप्स हो गए, टेक न्यूज़ हो गए, ऐप्स के रिव्यूज़, गैजेट के रिव्यूज़। और इन केस अगर आपके सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो कर जाता है तो आपको मेरे चैनल में बहुत सारे गिव अवे भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा टेक्निकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हर अपडेट्स आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड मतलब पबजी पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। वैसे तो इसका जो बैटल रॉयल फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, बट उसके बाद में भी ये गेम को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये लोगों का चहेता बन चुका है। तो जिस तरीके से मोबाइल गेम्स सक्सेसफुल हो रहे हैं तो उसके बेटर एक्सपीरियंस के लिए हमको उसके बेटर हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स की लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की है जिसके थ्रू आप पबजी के अलावा बहुत सारे गेम्स भी बहुत स्मूथली अपने डिवाइस पर खेल सकेंगे। आई मीन ऐसे डिवाइस मैंने सिलेक्ट की है जिस डिवाइस पर पबजी के साथ साथ दूसरे गेम्स भी बहुत स्मूथली रन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से डिवाइस है जिस पर पबजी के अलावा भी दूसरे गेम्स बहुत अच्छी तरीके से आप खेल सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, इसका जो इंडियन वेरियंट था वो एक्सोनस 9810 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन के 845 प्रोसेसर से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। ये 6GB रैम और 64 से 128GB तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ में अवेलेबल होता है। साथ ही इसका जो एज टू एज डिस्प्ले है वो बेस्ट एमोल्ड पैनल है। इसमें भी पबजी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर मिलेगा आपको। आईफोन एक्सेस मैक्स में जो A12 बायोनिक चिपसेट है वो बैटरी लाइफ का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इसका जो 2-कोर CPU है वो परफॉर्मेंस CPU से 15% तक ज़्यादा फास्ट है। और अगर गेमिंग की बात की जाए तो इसको एक बेस्ट AR गेमिंग डिवाइस बोला जा सकता है, AR गेमर्स के लिए तो बहुत बेटर ऑप्शन है। तीसरा डिवाइस है iPhone X। iPhone X पिछले कुछ महीनों से गेमिंग सेगमेंट में लीड कर रहा है। इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है इसके iOS को, कंपनी ने iPhone X में बेस्ट ग्राफिक क्वालिटी अवेलेबल करवाई है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है इसके A11 बायोनिक चिपसेट को। मेटल 2 और कोर ML के चलते इस फोन में जो खेले जाने वाले गेम्स होते हैं वो बहुत बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज होते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। चौथा डिवाइस है OnePlus 6T। अब अगर इसके हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर में आपको मिलेगा ऑक्सीजन OS के साथ में एंड्रॉयड का 9.0 का एंड्रॉयड वर्जन। साथ ही साथ इसमें मिलेगा आपको क्वालकॉम ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, और ये 10nm आर्किटेक्चर पे बना हुआ है और 2.8GHz की स्पीड ऑफर करता है। इसके साथ साथ एंड्रेनो का GPU भी दिया गया है और 6GB और 8GB रैम के साथ में आता है। इसमें भी पबजी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का है। पांचवा और आखिरी स्मार्टफोन है ऑनर प्ले। ऑनर प्ले इंडिया में उन डिवाइसेस में से एक है जिसे स्पेशली गेमिंग के लिए तैयार किया गया है। अगर आप इसकी बात करें तो मिड रेंज स्मार्टफोन है एक, और किरिन के 970 प्रोसेसर पे वर्क करता है। साथ ही साथ इसमें कंपनी की टर्बो GPU टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे फोन की एफिशिएंसी को 60% तक इंक्रीज कर देता है, और नोटिफिकेशन जो बार बार आते जाते हैं उसको म्यूट कर देता है गेम खेलते वक्त, जिससे यूजर्स को एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स जिसके दम पे आप पबजी और दूसरे गेम्स बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। इन स्मार्टफोन्स पे पबजी के अलावा दूसरे गेम्स बहुत अच्छी तरीके से रन करते हैं, स्पेशली अगर पबजी की बात करूँ क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा पबजी ही पॉपुलर है। तो पबजी जैसे गेम्स इन स्मार्टफोन्स में, जो स्मार्टफोन मैंने आपको बताए हैं 5 स्मार्टफोन्स, उन स्मार्टफोन्स पे बहुत अच्छी तरीके से रन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए, अगर कोई कमी दिख रही है इस वीडियो में तो आपको कमेंट करके मुझे बताइए कि इस वीडियो में क्या क्या कमी है। मैं आपकी कमियों को सुधारना चाहूँगा क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने 2-3 चैनल बनाए थे। मैंने तब चैनल क्रिएट किया था जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। अब जा करके मैंने 4 महीने बाद पूरे एक्सपीरियंस के साथ
इस चैनल को चालू किया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिले, आप लोगों का प्यार मुझे मिले। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए, बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। और बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।